वेरी गुड इवनिंग टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। तो चैनल पर आप सभी कैडेट्स डिफेंस एकेडमी के चैनल पर आप सभी खूबसूरत लोगों का स्वागत है। हमने दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं जो कि कंपाउंड इंटरेस्ट का था और स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे था। तो आज मैं इन्हीं क्वेश्चंस का मैराथन लेकर आया हूं और सारे के सारे टोटल जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे नए क्वेश्चंस हैं। आपको नए क्वेश्चंस में मतलब डेटा सारा का सारा नया है। कंसेप्ट आपका कुछ पढ़ा हुआ होगा कुछ नहीं पढ़ा हुआ होगा, तो मिला जुला कर सारी चीजें होंगी। तो आई होप वीकेंड्स आपका अच्छा सेलिब्रेट हुआ होगा और आप काफी खुश रहे होंगे अपने घर परिवार के साथ, नए नए पकवान एंड ऑल खा रहे होंगे, ठीक है, और बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं आ रही होगी आपके दिमाग में, ठीक है। तो एक पैटर्न बनाकर चलिए, धीरे धीरे डेली 3 घंटा या 4 घंटे का लत लगाइए, इसीलिए रेगुलर क्लासेस चल रहा है मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। और टॉपिक के एंड में मैं मैराथन भी लेकर चलूंगा, ठीक है, कभी एक टॉपिक का होगा कभी दो दो टॉपिक का होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट डिस्कस किया था, उससे पहले हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस डिस्कस किया था। आज मैराथन कंप्लीट होने के बाद आपका कल से नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है प्यारे बच्चों। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है, मैं वही टॉपिक आपका स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। नंबर सिस्टम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, नंबर सिस्टम और मेंस्ट्रुएशन का डिमांड आ रहा है, ठीक है, ये दोनों टॉपिक चलेंगे, ठीक है। तो आज पहले सबसे पहले ये बताएं कि कितने ऐसे शेर और शेरनियां हैं जो आंसर धड़ाधड़ देने को तैयार बैठे हुए हैं अपने घर पर। कुछ देखो क्या है ना कि कुछ लोग तो बस खोलेंगे, अच्छा कुछ तो चल रहा है यहाँ पे, सर कुर्ता पहन के हैं, कुछ तो आज करेंगे पता नहीं क्या, ठीक है। तो कुछ लोग आते हैं और उसके बाद टफ क्वेश्चन जैसे आता है उसके बाद हाय राम ये क्या हो रहा है, या अल्लाह ये तो सर दर्द हो गया और भाग जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं उन शेर और शेरनियों की बात कर रहा हूँ जो इस लॉकडाउन के पीरियड में भी अपने घर पर रौंदने के लिए तैयार है। तो जितने लोग रौंदने के लिए तैयार है धड़ाक से एक बार फड़ाक से एक बार दिल फेंक के मारे, कितने रौंदने को तैयार हैं, रौंदने की बात कर रहे हैं, फोड़ देंगे सर, वेरी गुड। हम देंगे आंसर धड़धड़, शुभम चारू यादव वेरी गुड, बहुत सही बहुत सही, ठीक है। तो मुझे उन लोगों से मतलब है जो भाई साहब सर पर एकदम वो क्या कहते हैं भभूति लगाकर एकदम बैठे हुए हैं और कह रहे कि सर आज तो हम फोड़ेंगे पक्का। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा दिया है, आपने टाइम एंड डिस्टेंस पे हमें समय दे दिया है, हम कंसेप्ट सीख चुके हैं और अब हम यहां से धाएं धाएं एक आंख मीच कर अर्जुन की तरह गोली मारने वाले हैं, ठीक है। बहुत सही प्यारे बच्चों, बहुत सही बहुत सही, खतरनाक दिल आ रहा है आप लोगों का, बहुत सही, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैराथन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब ये होगा कैसे देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन सीआई का, एक क्वेश्चन टीएसडी का, फिर दो क्वेश्चन सीआई का, दो क्वेश्चन टीएसडी का, इस तरीके से ये पैटर्न चलेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन टफ होंगे, कुछ आसान होंगे, कुछ नए होंगे, लेकिन एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो मैंने सेम डेटा वाला उठाया होगा, ठीक है। सारे डेटा नए हैं, सारे नए डेटा वाले क्वेश्चन, टाइप तो वही रहेंगे प्यारे बच्चों। तो माता रानी का नाम लेते हुए हाथ खुजला रहा है करने के लिए, अच्छा वेरी गुड। माता रानी का नाम लेते हुए एकदम सच्चे मन से स्टार्ट करेंगे और आज सेशन को एकदम पूरा एकदम रौंदेंगे, एकदम पूरा माता रानी का नाम लेंगे, बोले जय भवानी। लड़के लड़कियां सारे आंसर्स देंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखते हैं सीआई का है कि टीएसडी का है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो निकल कर आया है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का निकल कर आया है। क्वेश्चन कह रहा है देयर इज 40% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 8 years एट सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर कोई पैसा 40% बढ़ जा रहा है 8 साल में, 8 साल में 40% बढ़ जा रहा है। तो मुझे यह बताना है कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 30,000 रुपए पर, चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा 30,000 रुपए पर 2 साल पर उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से, आई होप ये क्वेश्चन एकदम नया होगा लेकिन कंसेप्ट से बाहर नहीं होगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे एक निश्चित दर है जिस पर 8 साल में 40% बढ़ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर 40% 8 साल में पैसा बढ़ रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि हर साल कितना बढ़ रहा होगा 5%, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% निकल कर रहा है। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे पता है कि साधारण ब्याज हर साल का सेम होगा,
ठीक है, अगर हर साल का साधारण ब्याज सेम है तो अगर 40% की इंक्रीमेंट 8 साल में हुई है तो हर एक साल 5% की इंक्रीमेंट है। मैं बोला वाह 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 वा, सर मजा आ गया, रेट निकल गया। अब रेट निकल गया तो भैया फोड़ दो, प्रिंसिपल कितना है 30,000, समय कितना है 1 साल और ये 2 साल, अलग अलग तरीके से मैंने सीआई निकालने बता रखा था रेशियो से इससे एंड ऑल, ठीक है 5% निकाल दो, 5% कितना होगा 1/20 होगा, तो 1/20 निकाल दो, इसका 10% कितना 3,000, 5% कितना 1500, तो यहाँ प्यारे बच्चों 1500 आएगा, यहाँ 1500 आएगा। अब भाई का 5% निकाल लो, इस भाई का 5% कितना होगा 10% 150, 5% 75, ये आया आपका चक्रवर्ती ब्याज 1500 3000 प्लस 3000 75 3075 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द सेम रेट। कितने लोगों ने फोड़ दिया, देखिए डी इज द आंसर, बहुत सही बेहतरीन खूबसूरत 3075, बहुत सही बेहतरीन। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, फटाफट भरेंगे, फटाफट आगे बढ़ते चले जाएंगे। 3075 इज द आंसर, ये पहला क्वेश्चन था। देखो ध्यान से, सेम क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया कभी, ये क्वेश्चन मैंने करवाया नहीं, लेकिन कंसेप्ट आपको कहीं ना कहीं पता था कि हाँ सर एसआई भी मुझे पता है, सीआई भी पता है, और यही होती है तैयारी भाई सब। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पे जाए, डी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन अब आपका देखते हैं सीआईए के टाइम एंड डिस्टेंस से, तो अगला क्वेश्चन आया स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का, और वो भी आया आपका रेलगाड़ी, रेलगाड़ी का क्वेश्चन आया प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन जो आया है वो रेलगाड़ी है, फोड़े से सारे फोड़ेंगे, हाथ खुजा रहा है करने के लिए, अरे जोशी पहाड़ी पढ़ भी ले। अगला क्वेश्चन फोड़े प्यारे बच्चों, 100 meter लॉन्ग ट्रेन passes a man रनिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 km/h इन 5 seconds एंड अ कार ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन एट 6 seconds एट व्हाट स्पीड इज द कार ट्रेवलिंग, तो कार की चाल क्या होगी। भाई साहब बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन है जो दो लोगों को पार करती है, 100 meter वाली ट्रेन जो है वो दो लोग को पार करती है, एक रनिंग व्यक्ति को और एक उसको, ठीक है दोनों तरफ दो लोग को पार करती है। तो देखो प्यारे बच्चों ध्यान देना, लेंथ इक्वल्स क्या होगा आपका स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। जब ट्रेन ने एक आदमी को पार किया तो लेंथ काउंट होगी ट्रेन की जो कि 100 meter दे रखा है, स्पीड किसका काउंट होगा तो दोनों का काउंट होगा। आदमी की स्पीड किसने दे रखा है 6 km/h दे रखा है, तो उसकी उसकी स्पीड मान लो, उसकी स्पीड में x किलोमीटर पर आर मान लिया, देखो वो भी किलोमीटर पर आर में है ना, तो ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आर मान लिया, x मान लिया, सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर दिया, किलोमीटर प्रति घंटे को चेंज करने के लिए 5/18 कर दिया, और यहां से प्यारे बच्चों क्या निकल कर आ गया, तो यहां से मैंने ये देखा कि यहां से निकल कर टाइम कितना दे रखा था, तो टाइम दे रखा है 5 सेकंड। ये तो बात किसकी हुई, ये तो बात हुई उस आदमी को पार करने के लिए। अब जब दूसरी कार को पार करने की बात हो रही है तो कार की भी लेंथ काउंट नहीं होगी, ट्रेन के सामने कार की लेंथ या आदमी की लेंथ या खंबे की लेंथ नहीं ली जाती। तो ये फिर से वही करो, लेंथ इक्वल्स क्या होगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम हो जाएगा, लेंथ इक्वल्स क्या हो गया स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आ गया। अब यहां से किसकी स्पीड निकल जाएगी, यहां से आपको ट्रेन की स्पीड निकल जाएगी, ट्रेन की स्पीड उठाकर पुट कर देना यहां पर। तो प्यारे बच्चों अगर मैं यहां देखूं तो यहां देखो 5 × 5 = 25 होता है, 25 इसको बार में देगा 18 ऊपर जाएगा तो 72 इज इक्वल्स एक्स माइनस 6 हो गया। तो हे ट्रेन तेरी चाल है 78 km/h, याद करे लल्ला, मैंने आपको बताया था कि जिस यूनिट में मानते हो उसी यूनिट में स्पीड रहता है, 5/18 करने से पूरी वैल्यू चेंज हुई, लेकिन एक्स कह रहा बाबूजी मेरी औकात चेंज नहीं हुई, मेरी औकात अपने किलोमीटर प्रति घंटे में मारा है, तो एक्स आ गया, ये ट्रेन की स्पीड निकल कर आ गई। अब जब ट्रेन की स्पीड निकल कर आ गई तो यहां से निकल जाएगा, लेंथ फिर से कार को जब पार करेगा तो लेंथ कितना हुआ 100 meter, ट्रेन की स्पीड कितनी है 78 है, माइनस कार की स्पीड मैंने एस मान लिया, इंटू क्या कर दिया 5/18 सेम डायरेक्शन में, और टाइम कितना लिया प्यारे बच्चों, तो टाइम इसने लिया है उसने कार को पार करने में 6 सेकंड लिया, 6 ने मारा धड़ 3 बार में, 5 ने मारा धड़ कितनी बार में 20 बार में, 3 ऊपर उड़कर जाएगा 20 दिया 60 हो जाएगा, तो 60 इज इक्वल्स 78 माइनस एस हो गया, एस तू उधर जा, हे 60 तू इधर आ, तो एस की वैल्यू कितनी हो गई 18 km/h। तो भैया स्पीड ऑफ कार कितना आ गया 18 km/h इज द आंसर, 18 km/h इज द आंसर, भाई बहुत सही, क्लास 9 बजे स्टार्ट हुई है, ए इज द आंसर 18 किलोमीटर पर आर,
ये दोनों कंसेप्ट करवा रखा होगा। देखो आपका जमीर कह रहा होगा कि हाँ ये क्वेश्चन करवा रखा सर आपने, ठीक है, दोनों अलग अलग कंसेप्ट करवा रखा था, दो कंसेप्ट को उठाया। जितने भी आज के क्वेश्चंस होंगे सारे के सारे आपको नए डेटा मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन अगर हुआ तो कैमरा के अंदर घुसकर आप पकड़ लेना मुझे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा इज दी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया कंपाउंड इंटरेस्ट का। आ हा हा, फोड़ो, कोई भी ऐसा नहीं बैठेगा वरना मैं कमंडल में से जल लेके छिड़क दूंगा, भस्म हो जाओगे। कोई भी ऐसे नहीं बैठेगा, सारे आंसर दें, पापा की परियां भी और पापा के परा भी। कभी सोच रहे हो कि सर माफ कर देंगे, सर आप बब्बर शेर काहे भाई, ये काहे भाई। वाओ, किस चीज की क्लास चल रही है, वेरी गुड। हम सिखा रहे हैं जलेबी कैसे बनाते हैं लॉकडाउन में। The amount received at 10% per annum compound interest after 3 years is rupees। बहुत प्यारा क्वेश्चन, कह रहा 10% चक्रवर्ती दर पर 3 साल में जो मिश्र धन है होता है, मिश्र धन मतलब अमाउंट जो होता है वो 5324 है। सबसे पहले आंसर धड़ाधड़ आंसर आ रहा भाई साहब, सबसे पहले आंसर देने वाले हैं गौरव कुमार, उसके बाद दिया आपने बलराम पटेल, पंकज यादव, उसके बाद आपका एसआर के, उसके बाद तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ सभी आंसर दे रहे, 4000 सबको आंसर दे रहे, बहुत सही, वेरी गुड। मानसी पंत, प्रदीप प्रजापति, कुमार प्रीतम, बहुत सही। कुंदन कंसेप्ट देखो क्या कह रहा है भैया, कह रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10% कितना होता है, तो 10% रिप्रेजेंट 1/10, मतलब 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज अगर मिलेगा तो मैं कह सकता हूं कि प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो जो होगा वो 10 से 11 होगा। होगा कि नहीं बोलो, हाँ होगा भैया। 10% का मतलब ये है कि 100 रुपए पे 10 रुपए का ब्याज, या फिर 10 रुपए पर 1 रुपए के ब्याज का बाद 11 हो जाएगा। भैया इनने कितने साल की दे रखा, 3 साल दे रखा, उसने बोला 3 साल ओवर CI है, तो 3 साल में वैल्यू क्यूब हो जाएगी, इसका मतलब 1000 रुपए की चीज 3 साल बाद 1331 हो जाएगी। 2 साल बोलता तो स्क्वायर करता, 100 और 121 आता, इसने 3 साल बोला, इसका मतलब ये है, मैं ये कह रहा हूं कि ये तो रेशियो है, प्रिंसिपल कांस्टेंट है लेकिन अमाउंट चेंज हो रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल का हर साल के अमाउंट के साथ रेशियो अलग अलग होगा लेकिन प्रिंसिपल तो सेम ही है, अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। अमाउंट मेरा आयु का रेशियो हर एक बच्चे की आयु के रेशियो के साथ अलग होगा लेकिन मेरी आयु तो जितनी है उतनी है ही, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसिपल को जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अमाउंट को जिसकी वैल्यू उसने दे रखा है 5324। कितना 5324 भाई साहब, ये कितना गुना है, इसे कटना होगा, अगर नहीं कटेगा ना तो अपना नाम काट के लिख लेना कि सर गलत कंसेप्ट है, गलत क्वेश्चन है। तो भैया 1331 की वैल्यू इतनी है तो 1 पॉइंट कितना, देखो ये 4 गुना है, गौर से देखो ये 4 गुना में कट जाएगा, कैसे पता 4 गुना, इकाई अंक में 4 है तो 4 × 4, जब ये 4 गुना है तो ये भाई साहब प्रिंसिपल भी 4 गुना होगा, तो इसका मतलब प्रिंसिपल कितना होगा 4000। लल्ला लल्ली ने उड़ा दिया होगा, पक्का फोड़ दिया होगा। 4000 इज द आंसर, 4000 इज द आंसर, बहुत सही, वेरी गुड बच्चा, 4000 इज द आंसर, 4000 इस क्वेश्चन का आंसर है, बहुत से बेहतरीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये है, टाइम एंड डिस्टेंस का, फोड़े इस क्वेश्चन को, फोड़ते चले जाएं क्वेश्चन को। टू ट्रेन्स 35 मीटर अपार्ट, भैया दो रेलगाड़ियां है, तुरंत डायग्राम बनाओ अपने डायग्राम कॉपी में, दो रेलगाड़ियां 35 मीटर की दूरी पर हैं, ठीक है। टू ट्रेन्स एंड दे आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, वो एक ही दिशा में चल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर 45 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। इफ दे क्रॉस ईच अदर इन 5 मिनट्स देन व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दोनों रेलगाड़ियों की कुल लंबाई क्या है, ठीक है। टू ट्रेन्स आर 35 मीटर अपार्ट एंड आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन, और एक दूसरे से मिल रहे, इसका मतलब 30 वाला यहां होगा और 45 वाला यहां होगा, एक ही दिशा में जा रहा, और अगर मुझे ये बोल रहा है कि दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहा हो, ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी पीछे होगी, वरना अगर मैं इसको 30 यहां लिख दूं, इसको 45 यहां लिख दूं, तो कभी ये पकड़ ही नहीं पाएगा 30 वाले इसको, इसका मतलब जिसकी स्पीड ज्यादा होगी अगर वो पकड़ रहा है तो इसका मतलब वो पीछे है, तो इसकी स्पीड 30 होगी, इसकी 45 होगी, और कह रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को 5 मिनट में दबोच लेते हैं, मतलब ये पीछे वाला रेलगाड़ी जो है उसे 5 मिनट में क्रॉस कर लेता है, तो मुझे लेंथ निकालना है।
लेंथ इक्वल्स क्या होगा, तो लेंथ इक्वल स्पीड इनटू टाइम हो जाएगी, और लेंथ किसकी निकलेगी, तो दोनों रेलगाड़ियों की निकलेगी, तो L1 प्लस L2 हो जाएगा, ठीक है। स्पीड कितना होगा, तो स्पीड देखो 1:45 और 1:30 सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस होगा प्यारे बच्चों, इसकी 45 इसकी 30 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इनटू क्या कर दिया आपका 5/18, और टाइम कितना लिया 5 मिनट, मतलब सेकंड में कितना होगा 5×60। मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेंथ इक्वल स्पीड इनटू टाइम होगा, लेंथ में दोनों ट्रेन की लंबाई आ जाएगी, दोनों की लंबाई निकल कर आ गई, रिलेटिव स्पीड क्या होगा इसकी 45 की 30 हो जाएगी, एक डायरेक्शन में स्पीड माइनस होगा, तो माइनस करके पहले ही लिख दिया मैंने 15 हो गया। स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में है तो मैंने 5/18 कर दिया, टाइम मिनट में था तो 60 से गुना करके सेकंड्स में कर दिया, उड़ा दो इसे। 6 से काटा कितनी बार में कट गया, 6 से काटा 10 बार में कटा, 6 से काटा 3 बार में कटा, 3 से काटा 5 बार में कटा, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 5×5=25 गुना कितना हो गया आपका 50, और 25×50 कितना हो गया 1250 मीटर। ये किसकी लंबाई आई, ये दोनों ट्रेन की लंबाई आई, उनमें से किसी भी एक ट्रेन की लंबाई मुझे नहीं पता चल पाएगा, इसलिए इसने पूछा फाइंड आउट द टोटल लेंथ, पूछा प्रत्येक का कभी निकल भी नहीं पाएगा, कुछ तो बोलना पड़ेगा कि एक दूसरे से इतना ज्यादा एंड ऑल। बहुत सही, 1215 कैसे आ रहा भाई साहब, 1215 कैसे आ रहा है, 25×5=125, 1:15 कैसे आ रहा है मेरे भाई, क्या कर दिए हमने, 50×25, 1:50 होगा दोस्त, है ना, ऑप्शन नहीं है यहां, 1:50 होगा, 1250 वुड बी द आंसर, 1250 द आंसर, आप लोगों का 1215 निकल कर आ रहा है, 1250 इसका आंसर होगा, ठीक है, 1250 मीटर इज द आंसर, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन वुड बी 1250 मीटर, ठीक है, 1250, अच्छा दे रखा है क्या 35 मीटर अपार्ट, ओके सॉरी, ओके ओके ओके, हाँ वो उनके बीच की दूरी भी दे रखी है प्यारे बच्चों, उनके बीच की दूरी भी दे रखी है, वेरी गुड, ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या होगा, ध्यान देना, उन दोनों के बीच की दूरी दे रखी है कितनी, 35 मीटर दे रखा है, देखो ध्यान से, ऑलरेडी दे रखा है कि उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 35 मीटर है, इसका मतलब ये ट्रेन 35 मीटर की दूरी भी कवर करेगा, और प्लस ये, और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ दे क्रॉस ईच अदर, पूरा कंप्लीटली क्रॉस भी कर लिया, इसका मतलब लेंथ में कितना होगा, लेंथ में L1 आएगा प्लस L2 आएगा प्लस 35 मीटर भी आएगा, तीनों क्रॉस हुआ है, और यही बराबर कितना आया था आपका आंसर अभी, 1250 आएगा प्यारे बच्चों, तो L1 प्लस L2 जो होगा, माई बैड, 1250 में से 35 माइनस कर दो 1215, ठीक है, ये भी दे रखा था, लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन सिर्फ नहीं दे रखा था, उसने एक दूसरे को पार भी किया है प्लस 35 मीटर भी पार किया, तो इसका मतलब 35 प्लस 1250 दोनों पार हुआ है, तो वहां से मैंने निकाल दिया कितना हो गया आपका प्यारे बच्चों, तो वहां से निकाल दिया आपने कितना हो गया, हाँ ठीक है, तो वहां से मैंने निकाल दिया कितना हो गया 1215। अगला क्वेश्चन जाएंगे, समझ गए होगे बात को, 35 मीटर भी इसने क्रॉस किया होगा, पहले इसके करीब आया होगा, 35 मीटर क्रॉस किया होगा, इसकी लेंथ क्रॉस हुई होगी ट्रेन की, और अपनी भी क्रॉस हुई होगी, तो तीनों दूरी आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का, जो कि ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, उड़ा दो इसको ऊपर से, ऊपर से फोड़ दो इस क्वेश्चन को, वेरी गुड दीपक शर्मा, विपुल रोहिला का आया 62500, सबसे पहले विपुल रोहिला का है, बहुत सही, देखते हैं आंसर सही है कि नहीं, विपुल रोहिला का, आज विपुल रोहिला ने आग लगाया लग रहा है, पंकज यादव, राजीव रावत, विपुल रोहिला, पंकज यादव, वेरी गुड वेरी गुड, जयंत शेख, देखो ध्यान से क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर टू इयर्स एट 12% पर एनम इज रुपीज इतना, मतलब दो साल में CI और SI का अंतर इतना है, हो नहीं है, पहले साल CI, पहले साल जो होता है CI और SI तो बराबर होता है, लेकिन दो साल में SI तो ये होता है और CI आपका पूरा क्या होता है, ये टिंगू भी आ जाता है, तो दो साल में CI SI का अंतर तो आना ही आना है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि दो साल में CI और SI का अंतर दे रखा है, तो मुझे ये बताना है कि वो प्रिंसिपल कितना था, देखो ध्यान से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट बच्चा 12% है तो दो साल में, और टाइम अगर दो साल दे रखा है, तो SI की बात करूं तो दो साल में SI कितना होगा, 12×24%, क्लियर है ना भाई,
एक साल का अगर 12% है तो दो साल में जो साधारण ब्याज निकल कर आएगा वो 12 × 24% होगा। और बात करूं अगर चक्रवर्ती ब्याज की, तो चक्रवर्ती ब्याज ऐसे देख लो, 12 और 12 का 12% 1.44 होगा, मतलब 25.44 होगा। मतलब ये है कि चक्रवर्ती ब्याज आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, x + y + xy/100, इसे कहते हैं इफेक्टिव रेट। दो साल का इफेक्टिव सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका 24, और दो साल का इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, तो 12 + 12 + 12% निकालोगे, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ये कितना हो गया भैया, ये 24 हो गया, ये 24 हो गया, प्लस ये 12 × 12 = 144/100 हो गया, मतलब 25.44%। तो भैया इनने बोला कि दो साल के सीआई और एसआई में अंतर है, मैं बोला साफ अंतर है, मुझे भी दिख रहा, तू नया बात क्या बता रहा, अंतर कितने का है, 1.44% का। क्वेश्चन इसे चीख चीख कर कितना कह रहा है, 900 रुपए। तो 1.44 की वैल्यू अगर 900 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालनी, ठीक है, 100% सी निकल कर आ रहा आंसर, ठीक है, 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो देखो ना से कैसे निकलेगा वैल्यू, तो 900 ऊपर रहेगा प्यारे बच्चों, है ना, मैं यहां सॉल्व कर दे रहा हूं, ये 900 ऊपर ही रहेगा, नीचे कौन आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां पर नीचे कौन आएगा आपका 1.44 आएगा, और ऊपर कौन चला जाएगा 100 चला जाएगा, भैया ये पॉइंट हटाओगे तो 100 और आ जाएगा, ठीक है, 9 से काट दो प्यारे बच्चों इसको, 100 बार में कट जाएगा ये, 9 से काटो इसको, 9 × 1 = 9 हो गया, ठीक है, 9 × 1 = 9 हो गया, 54 हो गया, 9 × 9 = 54 हो गया, 4 से काटो 4 बार में, 4 से काटो 25 बार में, 4 से काटो एक बार में, 4 से काटो 25 बार में, 25 × 25 कितना हुआ, 625 × 100 कितना, 625 और दो अंडा, 62,500 इज द आंसर, 62,500 इज द आंसर, बहुत ही बेहतरीन आंसर दे रहे हैं लगातार लोग बाग, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, कतई खतरनाक, ठीक है, बहुत सही, 62,500 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6 आया, टाइम एंड डिस्टेंस का। अब ये क्वेश्चन है कातिल क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कातिल क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन दे रहा देखते हैं, बिल्कुल धड़धड़, वेरी गुड, A man traveled a distance of, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा, A man traveled a distance of 72 किलोमीटर in 12 hours, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो 72 किलोमीटर है, टोटल टाइम कितना लगा, तो 72 किलोमीटर लगा उसको 12 घंटे में, ठीक है, He traveled partly by foot at 5 km/h, ठीक है, अब ये जो 72 किलोमीटर है ना प्यारे बच्चों, ये पूरा दूरी है, इसमें से उसने कुछ दूरी तो उसने किससे तय किया होगा, फुट से तय किया होगा, और फुट से जब तय किया होगा तो 5 km/h की स्पीड से, और बाकी का दूरी उसने कैसे गया, तो साइकिल से गया, और साइकिल की स्पीड कितनी है, 10 km/h। अब इस क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीका है, एक वाया ऑप्शन, एक वाया नॉर्मल मेथड फॉर्मूला से, दूसरा वाया एक्स से, चौथा वाया एलिगेशन भी लगता है, लेकिन हम इन सबको छोड़कर एक सिंगल तरीके से करेंगे, कैसे मैं आपको बता देता हूं। उसने बोला डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय फुट, मतलब ये जो 72 किलोमीटर तूने पूरा किया है, इस पूरे 72 किलोमीटर को ट्रैवल करने में तुझे 12 आता। अब देखो एलिगेशन से कैसे होता बच्चा, कितनी हो गई 5 हो गई, साइकिल की कितनी हो गई 10 हो गई, ओवरऑल स्पीड कितनी हो गई 72/12 कितना हो गया 6 हो गया, एलिगेशन मार दो 10 आ गया 4 हो गया, ये 1 आ गया, तो 4 और 1 में आप टाइम को बांट दो, तो टोटल टाइम कितना आपका 12 घंटे, उस तरीके से बांट कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं इसमें बहुत टाइम लगता है, ऐसे ना करके मैं क्या करूंगा, उसने बोला पैदल कितना किया, तो पैदल जो भी दूरी गया होगा वो 5 का मल्टीपल होगा, तो आंसर देखो 5 का मल्टीपल कौन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, आंसर इस 50, आगे बढ़ जाना मारकर, तुरंत आगे 50 मारकर चले जाना, ठीक है, 50 आगे मारकर, लेकिन रुक जाओ मल्टीपल पूरा दे रखा है क्या, देख लो एक बार चेकआउट कर लो 50 से, A man traveled a distance of 72 किलोमीटर 12 hours, अच्छा 12 घंटे में, 72 किलोमीटर कुल 12 घंटे में, he traveled partly on foot at 5 km/h and partly on bicycle at 10 km/h, the distance traveled on foot is, तो इसका मतलब है कि फुट की जो दूरी होगी वो 5 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल यहां कौन है 50 है, लेकिन फिर आगे देखो 72 में से 50 माइनस करोगे तो 72 में से 50 22 10 का मल्टीपल नहीं है, दोनों तरफ मल्टीपल होना चाहिए, इसका मतलब ये आंसर नहीं,
दोनों तरफ ही मल्टीपल होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो पॉइंट में ऐसा लगकर 12 लेकर आना है। अब देखो ध्यान से क्या करोगे, ध्यान देना यहां पर। अगर मैं ऑप्शन से टोटल 72 किलोमीटर से है, टोटल डिस्टेंस कितना 72 किलोमीटर, अगर 72 में से 48 यहां ले लूं, अगर मैं 48 किलोमीटर को यहां रखता हूं, अगर 48 किलोमीटर रखता हूं तो 72 में से यहां निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 24 बच जाएगा। ये 48 अगर 5 की स्पीड से जाएगा तो ये 10 की स्पीड से जाएगा। 5 की स्पीड से कितना लगेगा उसको, माइनस डिवाइड कर दो तो कितना आ गया, 9 × 5 = 45, तो 9.6 लगा इधर घंटे, और यहां कितना लगा तो 2.4 घंटे लगा। तो 9.6 घंटा और 2.4 घंटा कितना होता आपका, तो 12 घंटा मेरा प्रूव हो गया। तो ये आपका आंसर है। आपने प्रूव करना है, आपको फिर से दिखा रहा हूं प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो भैया। सबसे पहले तो मल्टीपल देखना है, 5 का मल्टीपल 50 था, लेकिन दोनों तरफ मल्टीपल देखना है। जब 72 में से 50 निकल गया तो बचा 22, 10 से नहीं कट रहा था। मैंने ऑप्शंस उठाया, ऑप्शन नंबर सेकंड 48 किलोमीटर। अगर मैं ये बोलूं कि पैदल वो 48 किलोमीटर गया है, तो अगर पैदल 48 किलोमीटर गया होगा तो 72 में से 48 किलोमीटर पैदल और 24 किलोमीटर गया होगा वो साइकिल से। 48 किलोमीटर अगर मैं 5 की स्पीड से जाऊंगा तो 9.6 घंटे लगेंगे और यहां लगेंगे 2.4 घंटे, दोनों को मिलाकर 12 घंटा आ गया। तो 12 घंटा इस ध्यान से, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा रखा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन चोर पुलिस वाला है बच्चा, चोर पुलिस वाला कंसेप्ट मैंने करवा दिया है। अ ट्रेन लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ। बच्चा ये मुंबई सेंट्रल है और ये है लखनऊ। अ ट्रेन लीव्स मुंबई सेंट्रल फॉर लखनऊ एट 11 AM, 11 बजे निकली है। कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। 11 बजे 60 की स्पीड से निकल गई और ट्रेन भी लीव्स मुंबई सेंट्रल, उसी स्थान से एक और ट्रेन निकली मुंबई सेंट्रल से ही, उसी दिन 2 बजे निकली। ये 11 बजे निकली है और दूसरा 2 बजे, बोला तू चल मैं आ रही हूं। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेन 11 बजे निकली है वो भागते चली जाएगी, उसके पीछे से दूसरी ट्रेन भी यहीं से स्टार्ट करेगी 2 बजे। 11 से 2 कितने घंटे हो गए, तो 12, 1 और 2 3 घंटे। तो 3 घंटे का लीड मिल गया, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर है वो 3 घंटे में 60 60 60, इसका मतलब ये है कि 180 किलोमीटर की लीड ये बना लेगी, 180 किलोमीटर की लीड बना लिया इसने भैया, 180 किलोमीटर का लीड बना लिया और ये भाग रही अभी भी। तो भैया जो पहली ट्रेन थी, लखनऊ कहाँ है मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहली ट्रेन थी वो 180 किलोमीटर की लीड ले चुकी है। वो दूसरी ट्रेन 2 बजे भागी और कितने की स्पीड से, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो एट व्हाट टाइम द बोथ द ट्रेन्स विल मीट ईच अदर, पहली ट्रेन जो थी वो जो मुंबई से निकली थी वो 180 किलोमीटर दूर आकर यहां आ गई है, यहां आ चुकी है और अब भी भाग रही है। कहां से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से अब भी भाग रही है। दोपहर के 2 बज चुके हैं, ये निकली थी 11 बजे, 11 से लेकर 2 3 घंटे में 60 की स्पीड से, 60 × 3 = 180 की लीड ले ली उसने। अब ये निकली यहां से 72 की स्पीड से, तो मुझसे पूछ रहा है कि कब पकड़ेगा। मैं बोला हां पकड़ तो जरूर लेगा, इसलिए पकड़ लेगा क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा। बोला कब पकड़ेगा भाई, तो मैंने बोला देख तू समय की बात कर रहा है, समय होता है दूरी बटा चाल। दोनों के बीच में जो दूरी आ चुकी है, वो दोनों के बीच में दूरी कितनी है, 180 किलोमीटर की, और चाल देख लो रिलेटिव स्पीड क्या होगा इसका, 72 इसका कितना है 60, एक डायरेक्शन में माइनस कर दो तो 180 बटे में कितना गया 12, मारा धड़ धड़ कितना 15 घंटे के बाद। ठीक है, 15 घंटे के बाद, तो 15 घंटे के बाद ये दोनों मिल जाएंगे। अब 15 घंटे कहां से देखोगे, तो दोपहर के 2 बजे से, दोपहर के 2 बजे से 12 घंटा क्या होगा, रात का 2 बजे अगले दिन। मेरी बात को समझो, दोपहर के 2 PM में अगर मैं 15 घंटे जोड़ दूं तो क्या होगा, आज दोपहर 2 बज रहा था, 12 घंटे पहले जोड़ो, जैसे ही 12 घंटा जोड़ूंगा मैं रात के 2 बजे निकल जाएगा अगले दिन, और उसमें और 3 घंटा जोड़ दो मतलब अगले दिन 5 AM नेक्स्ट डे, तो अगले दिन 5 AM में पहुंच जाएगा। तो भैया नेक्स्ट AM 5 डे, 5 AM ऑन नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर डी। 180 नहीं समझ में आया प्यारे बच्चे, तो ध्यान दे, ध्यान देना प्यारे बच्चे, क्या नाम है तुम्हारा, हाँ
बहुत सही कन्हैया जी, देखो देखो ध्यान से कन्हैया जी, भैया ये ट्रेन जो थी ये मुंबई में थी, जाना इसको लखनऊ था, 11 बजे निकली है 60 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन 3 घंटे बाद 2 बजे निकली है, तो 11 से 2 अगर 3 घंटे पहले ये निकली है तो 3 घंटे में कुछ तो दूरी स्टार्ट कर देगी। मैं बोला हाँ भाई इधर आ, कितना स्पीड है तेरा? बोला तेरी बाइक की स्पीड 60 है। मैं बोला कहां से? बोला मुंबई से। तो मुंबई से लेकर 60 की स्पीड से 3 घंटे दोपहर 2 बजे तक कहां पहुंच गए? 60 60 और ये 60। अब 2 बजे ये भागा है, इसकी स्पीड 72 है, दोनों को रिलेटेड स्पीड 12 है, 15 घंटे में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट का आपके स्क्रीन पर ये रहा, नहीं अगला क्वेश्चन भी टाइम एंड डिस्टेंस का है। बहुत ही कातिल क्वेश्चन है ये। रॉबिन सर और संजीव सर की क्लासेस अभी नहीं चलेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, जब चलेगी आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, देयर आर टू ट्रेन्स रनिंग ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स, दो रेलगाड़ियां हैं, दो पैरेलल ट्रैक पे चल रही है ट्रेन, ऑफ लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 120 मीटर आगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेटा ये था कि दोनों ही ट्रेन की जो लंबाई थी वो 120 मीटर निकल कर आ गई। When they are running opposite direction, अगर वे विपरीत में जाते हैं तो वो एक दूसरे को 4 सेकंड में पार करते हैं। And when they are running in the same direction, they cross each other in 12 seconds. What is the speed of the faster train? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। देखो दो ट्रेन दे रखा है, दोनों की लंबाई क्या है? सेम है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, लेंथ इक्वल्स क्या होगा? स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। 120 की लंबाई पहले वाले की, दूसरे की लंबाई कितनी है? 120 है। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो S1 ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑपोजिट में स्पीड क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। ऑपोजिट में स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगी। और टाइम कितना लिया इसने? तो टाइम इसने लिया कितना है ऑपोजिट में? 4 सेकंड का। प्यारे बच्चों ये ना मैंने S1 और S2 को मीटर पर सेकंड में माना हुआ है ताकि 5/18 करने की नौबत ना आए मेरे पास। S1 और S2 मीटर पर सेकंड में निकल कर आएगा। तो ये कितना हो गया आपका? 240, 120 और 120 को 240 लिख सकता हूं मैं, तो 4 से काट दो, कितना गया आपका? 60। इसका मतलब यह है कि दोनों ही ट्रेन की जो लंबाई स्पीड आएगी वो 60 मीटर पर सेकंड आ गई। S1 और S2 को मैंने मीटर पर सेकंड में माना, ठीक है। अगला देखो ध्यान से, फिर से दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी 240, एक डायरेक्शन में जाएंगे तो S1 - S2 हो जाएगा, और एक डायरेक्शन में इनको टाइम कितना लग रहा है? 12 सेकंड लग रहा है। डिवाइड कर दो कितना गया आपका? 20 बार में। तो इसका मतलब ये हो गया कि S1 - S2 कितना होगा आपका? 20 मीटर पर सेकंड। ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड आ गई 60, सेम डायरेक्शन में 20 आ गई, निकाल दो फास्टर ट्रेन को। कैसे निकालोगे? देखो ध्यान से, S1 और S2 मिलाकर कितना आपका? S1 और S2 कितना है? 60 है। S1 - S2 कितना आपका? तो 20 है। इक्वेशन को प्लस करोगे ये कट जाएगा, 2S1 बराबर कितना हो गया आपका? 80 हो गया। तो S1 की वैल्यू कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकंड। जो स्पीड ऑफ द फास्टर ट्रेन है वो 40 मीटर पर सेकंड आ गया। तो आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकंड, लेकिन इसने किलोमीटर प्रति घंटे में बोला है, तो इस 40 को उठाओ और 18/5 से गुना कर दो, ये किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगा। 5 से काट दो प्यारे बच्चों, कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में। 5 × 8 = 40 हो गया। तो भैया ये हो गया 18 × 8 कितना गया आपका? 144 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 144 किलोमीटर पर आर इज द आंसर। बहुत सही, बेहतरीन। अगर कुछ लोग ये आंसर दे रहे हैं ना, इसका मतलब बहुत खतरनाक लोग हैं वो, ठीक है। अगर ये आंसर धड़ से दे रहे हैं ना, इसका मतलब बहुत खतरनाक है। मैं आपको फिर से समझाता हूं। देखो दो ट्रेन भाग रही है, अगर कह रहा है कि सेम डायरेक्शन में जाएगा तो 12 सेकंड लगेंगे, ऑपोजिट में 4 सेकंड लगते, दोनों की लंबाई दे रखी है। लंबाई 120 कितना गया? 240 हो गया। S1 plus S2 कितना गया आपका? टाइम निकल कर आ गया। तो यहां से दोनों ट्रेन की स्पीड मिलाकर 60 आ गया, और यहां से दोनों ट्रेन की स्पीड का अंतर 20 आ गया। जब दोनों को प्लस करके पता और दोनों को माइनस करके पता है, तो मैंने इक्वेशन को ऐड कर दिया, तो S1 की वैल्यू निकल गई जो कि फास्टर ट्रेन है।
तो फास्टर ट्रेन S1 कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन किलोमीटर पर आर में देखा था तो 18/5 से गुना कर दिया, हे 40 तो 18/5 से गुना होगा तो किलोमीटर पर आर में आ जाएगा, तो किलोमीटर पर आर में 144 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। अगला क्वेश्चन आपका आया कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये रहा आपके स्क्रीन पर। उड़ा देने, वेरी गुड। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सडन सम फॉर 3 इयर्स इज एट 16% इज हाफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 12,000, फॉर 2 इयर्स एट 10%, परंतु सम प्लेस्ड ऑन सिंपल इंटरेस्ट इज, कह रहा है कि साधारण ब्याज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम SI जो है वो साधन ब्याज जो है वो CI का क्या है, आधा है, और SI का मूल नहीं पता, SI का मूल निकालना होगा, लेकिन CI का सब कुछ पता है, तो मैं देख लेता हूं CI वाला केस देख लो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर बात करूं, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसने कितना पैसा जमा किया, तो 12,000 रुपए, कितने साल, 2 साल, रेट कितना, 10%, 10% में यहां कितना होगा बच्चा, 1200 होगा, यहां कितना होगा, 1200 होगा, और यहां कितना होगा, 120 होगा, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट जुड़कर आ गया, तो चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ गया कितना, 1200 और 1200 कितना, 2400, 2520 निकल कर आ गया, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 2520 आ गया, 12,000 रुपए पर 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 10% पर आएगा 2520 रुपए, और साधारण ब्याज कह रहा है कि मैं कितना हूं, तो मैं हूं इस 2520 का आधा, तो कैंसिल करो 1260, तो 1260 निकल कर आगे। अब आपको निकालना है मूलधन, तो मूलधन कैसे निकालेंगे, तो देखो ध्यान से, 3 साल और 16% दे रखा है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट जो होगा 3 साल का 16% के हिसाब से 48% साधारण ब्याज बैठता है, जो कि दे रखा है 1260। तो अगर आपको 48% की वैल्यू पता है 1260, तो आप प्रिंसिपल 100% की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों मैं आपको समझा देता हूं फिर से, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लाइन तो उसने ये बोला कि साधारण ब्याज जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट का आधा है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दिया मैंने 2520, तो साधारण ब्याज उसका आधा निकल जाएगा, उसका आधा निकल कर आ गया कितना हो गया आपका, 1260, और साधारण ब्याज 1260 कैसे निकल कर आ गया, और वो किसकी वैल्यू है, तो 3 साल में 16% के हिसाब से साधारण ब्याज होगा इफेक्टिवली 48%, 48% पता है या फिर पीटीआर में 100 में मार सकते हो, ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो 1260 अपॉन में 48 और गुना में कितना गया 100, ठीक है, इसे कैंसिल आउट करो बच्चा, ये कैंसिल होगा, 8 से कटेगा 6 बार में, 8 से काटो 8 times of 1, सॉरी 8 से नहीं कट रहा, ठीक है, 1260 बटे में कितना आया 48 है और गुना में कितना है 100 है, 6 से काटो 8 बार में कट जाएगा, 6 से काटो 210 बार में कट जाएगा, इसका मतलब आंसर 7 का मल्टीपल आएगा, 7 का मल्टीपल कौन कौन सा है, 2100 है 7 का मल्टीपल, और एंड में तो 0 होगा नहीं, तो ये आंसर हटा दो इसको, 4 से काटो 2 बार में, 4 से कट गया 25 बार में, 2 से काट दो इसको कितनी बार में कटेगा, 105 और 105 गुना 25 कितना निकल कर आया, 2625 इज द आंसर, ठीक है, 2625 इज द आंसर, 2625 इज द आंसर, बहुत सही उत्कर्ष, गोलू, ध्रुव, कृष्णा, मिशन, वेरी गुड। हाँ बच्चा कंपाउंड इंटरेस्ट प्रीवियस वीडियो में खत्म हो गया था, तो ये निकल कर आ गया आपका कंपाउंड, ठीक है ना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा, तो मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि मैं पहले कंसेप्ट बता दूंगा, मैराथन में नए क्वेश्चन रहेंगे सारे, ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारे क्वेश्चंस नए दिख रहे होंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। क्या कह रहा है, दो आदमी भाग रहे हैं, दोनों की स्पीड दे रखी है, ठीक है, सेम डायरेक्शन भाग रहे हैं, 3.5 घंटे के बाद उनके बीच में दूरी क्या होगी, सिंपल सा क्वेश्चन है, दो बंदे भाग रहे हैं, 3.5 घंटे के बाद उनके बीच में दूरी क्या होगी, दो बंदे एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं और 3.5 घंटे के बाद उनके बीच में दूरी क्या होगी, तो डिस्टेंस इक्वल्स क्या होगा बच्चा, डिस्टेंस स्कूल होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा, स्पीड रिलेटिव होगा, एक की स्पीड कितनी है 4.5 है और दूसरे की कितनी है 5 3/4 है, तो 5 3/4 मतलब कितना होता है, 5 से ही 3/4 को लिख लो, 5 4 20 + 3 कितना होता है 23,
तो 23/4 इसकी स्पीड है और इसकी स्पीड कितनी है, माइनस कर दो 4 × 8 प्लस 1 9/2 हो गया, दोनों की स्पीड माइनस हो गई और टाइम उसने कितना दे रखा है, तो समय दे रखा 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब कितना होता है, 7/2 घंटे होता है। तो ये आपका परफेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ये आपका आंसर निकल कर आएगा। अब प्यारे बच्चों देखो, आंसर नीचे किसी का औकात नहीं है कि वो 7 को काट दे, तो इसका मतलब आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ऊपर वाली वैल्यू में 7 आना चाहिए। 4 × 12 + 1 = 13, तो 13 है ऊपर, 7 है नहीं। 5 × 20 + 3 = 23, 23 है नहीं, खत्म। 8 × 4 = 32 + 3 = 35, 35 में 7 है, ये आपका हो सकता है। 35 × 8 ये भी नहीं होगा आपका। तो आंसर कितना होगा, 4 × 3/8 हो जाएगा, 4/3। देखो ध्यान से, मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको एक तरीका बताया। ये विजन अगर रखोगे एग्जाम हॉल में तो आप उड़ते फिरोगे, ठीक है। देखो मैंने ये बोला इसको सॉल्व तो कर लूंगा मैं, ऐसा तो नहीं है, जिस बात औकात की आएगी तो मैं सॉल्व कर लूंगा, लेकिन मुझे एग्जाम हॉल में खतरनाक बनना है, और खतरनाक आपको प्राइम नंबर बनाता है। प्राइम नंबर कैसे बनाएगा, ऊपर में 7 आया, नीचे किसी के औकात ही नहीं है कि 7 को काट दे, इसका मतलब ऊपर वाली वैल्यू 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। जब इसको गुना किया, 8 × 4 = 32 + 3 = 35, तो 35 जो है वो 7 का मल्टीपल है, कोई और नहीं था। समझ में आया ये बात, समझ में आया कि नहीं ये बात, ये खूबसूरत बात आप लोग को समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। बिना सॉल्व किए हमने चेकआउट कर लिया, और कोई था ही नहीं 7 का ऊपर मल्टीपल, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं, कभी सोच लेना कि ये 35 7 का मल्टीपल नहीं, जब ये सॉल्व होगा तो 7 का मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। बहुत सही, ठीक है, वेरी गुड। तो ये आंसर कितना हो गया आपका, 4 × 3/8 इज द आंसर, बहुत सही, बेहतरीन। अब मुझे ये बताओ, इन 10 क्वेश्चनों में आप लोग का रैंक क्या रहा, कितने क्वेश्चंस बने आप लोग को, कितने लोगों को लग रहा है कि सर आपने बहुत टफ करवाया या आसान करवाया, ऐसा ठीक था, मजा आ गया, तीनों में से बताओ, कितने लोग को लगा कि सर बहुत आसान करवाया, किसको लगा टफ लगाया, और किसको लगा कि सर मजा आ गया, यही रखना। नौ, 8, 7, 6 मार्क्स, 7 मार्क्स, वेरी गुड। 8, 10 में से 8, 7, 8 क्वेश्चंस किए, 5 किए, वेरी गुड। 8, 4, बहुत सही, 2, मस्त क्वेश्चन थे, वेरी गुड, टफ था, मस्त क्वेश्चन, वेरी गुड, नॉर्मल, बहुत से 10 में 10, मजा आ गया, वेरी गुड। चुमनेश्वरी क्वेश्चन, बहुत सही, आर्मी क्लर्क क्या सबके लिए उड़ेगा ये क्वेश्चन, 10 में से 110 आ गया भाई का, वेरी गुड, मजा आ गया। एयरफोर्स के ऊपर था, हाँ भाई एयरफोर्स के ऊपर तो था ही, करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टफ तो नहीं लग रहा मुझे, मजा आ गया, 10 में से 10, बहुत सही, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत सही। तो ये पहला 10 क्वेश्चन था, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, उड़ा दो इसको, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 4%, ठीक है, 4% पर 2 साल का CISI का डिफरेंस तो आना ही आना है, ठीक, बहुत सही, 9 out of 10 टफ क्वेश्चन थे, 10 में से 10, वेरी गुड, 10 में से 5, बहुत सही, थोड़ा हाई था, तैयारी ऐसी करा दो पेपर फोड़ के आ जाए सत्यम, ठीक है, मेहनत करते रहो, अभी अभी से आप लोग टफ है सर, हैं, तो पानी लेकर बैठा करो, जब भी टफ लगे तो छींटा मार लेने का, भाई साहब क्या हो रहा, क्या चल रहा, इस तरीके से, ठीक है, आपको आउट ऑफ द बॉक्स सिलेबस से बाहर कुछ नहीं कराऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। ये 4% है, 4% पर 2 साल का SI जो बनता है वो कितना बनेगा, तो 4% पर 2 साल का SI जो बनेगा वो 4 × 8% बनेगा, ठीक है, और CI जो बनेगा 4% पर वो कितना बनेगा, आपको पता है 4 + 4 + 4 × 4/100, ये CI बनेगा, तो कितना हो गया आपका, 8.16% इफेक्टिव रेट होगा। ये CI है, ये SI है, अंतर की बात कर रहा है, अंतर कितना है, 0.16%, क्वेश्चन इस अंतर को कितना कह रहा है, 144 कह रहा है, तो मुझे 100% की वैल्यू निकालनी है, ये आपको आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वैल्यू को निकाल लोगे, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन उड़ा दिया होगा, ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन उड़ा दिया होगा। देखो ध्यान से, 144 के अंदर 9 है, 9 की औकात ही, 9 में को काटने की 16 की औकात ही नहीं है, तो आंसर 9 का मल्टीपल होगा, सारा का सारा ही सत्यनाश, इन सब का सारा ही 9 का मल्टीपल दे दिया, तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, 144 ऊपर रहेगा, नीचे 0.16 आएगा, ऊपर 100 चला जाएगा, पॉइंट हटा दो 100 और ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 4 से काटो 4 बार में, 4 × 3 = 12, 36 बार में, 4 से काटो कितनी बार में, 9 बार में, तो भैया 9 और 4 जीरो उसके साथ चिपके होंगे, तो भैया ये आंसर है, आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास से आंसर निकाल दिया होगा, फोड़ दिया होगा आप लोगों ने, वेरी गुड, बहुत सही, बेहतरीन,
ठीक है, 90,000 इज द आंसर। अगला क्वेश्चन पे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, बहुत ही खूबसूरत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। रवि एंड अजय स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम प्लेस ए टुवर्ड्स बी। बहुत सही, क्या बात है। बोले चल मेला देख कर आते हैं। मैं बोला कहां मेला लगा, जो हमारा गांव ए है, मेला लगा है गांव बी में, और मेला जो लगा है वो 60 किलोमीटर दूर लगा हुआ है, मतलब गांव ए और बी के बीच में जो दूरी है वो 60 किलोमीटर की है। रवि और अजय निकलते यहीं से, रवि भी और अजय भी, रवि और अजय बोलते हैं कि चल गांव बी देख कर आते हैं मेला। कहां था मेला? 60 किलोमीटर दूर। ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो मेला पहले पहुंच जाएगा, वो पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि रवि स्पीड इज 4 किलोमीटर, रवि की स्पीड कम थी, ठीक है, लेस देन अजय। आफ्टर रीचिंग बी अजय टर्न्स बैक, अजय पहली पहुंच गया। क्यों पहुंच गया पहले? क्योंकि अजय की स्पीड जो है वो रवि के कंपेयर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा है। अजय पहले पहुंच गया और वापस घूम गया, उसने बोला भाई साहब यहाँ कुछ मेला ही नहीं लगा। वापस अजय घूम गया और जहां से यहां इस पॉइंट पे रवि तो अभी आ ही रहा था, अजय दौड़ कर गया और वापस भी आ गया, इस पॉइंट पर दोनों मिल गए। मतलब ये है कि रवि कभी मेला देख ही नहीं पाया, अजय जो था, अजय दौड़ कर गया, बी पहुंच गया पहले और वापस घूम गया, मेला था ही नहीं, वापस जब घूमा तो वहां से रवि आ रहा था, उससे दोनों मिल गए। ठीक है, कितनी दूरी पर मिला? 12 किलोमीटर अवे, तो मतलब 12 किलोमीटर दूर मिले, ये 12 किलोमीटर है। तो प्यारे बच्चों ये बात आपको पता होगा कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो दूरी ज्यादा ट्रैवल करता है। तो बात करूं अगर मैं कि रवि की और अजय की, तो रवि को बुलाया, हाँ भाई रवि कहां गया था? बोला कहां कहां गया था, मैं तो कहीं जा ही नहीं पाया। मैं बोला क्यों? तो बोला यार 60 किलोमीटर नहीं जा पाया बाबूजी, मैं तो 12 किलोमीटर पीछे रह गया। और मैंने अजय को बोला तू भाई? तो बोला तेरे भाई ने तो मेला भी देखा 60 किलोमीटर और वापसी में भी 12 किलोमीटर, तो 60 प्लस 12 ये इनके द्वारा तय की गई दूरी आई। रवि से पूछा तो रवि बोला बाबूजी मैं कभी गांव भी देख ही नहीं पाया, वो तो अजय रास्ते में मिल गया। बोला भाई साहब कुछ नहीं रखा, ये तो अफवाह है, जैसे आए दिनों आजकल अफवाह फैल रहा है। ठीक है, तो भाई साहब वो 12 किलोमीटर पीछे रह गया और ये 60 प्लस 12 गया, तो 60 माइनस 12 ये 48 किलोमीटर और ये कितना 72 किलोमीटर, काटो उसको 24 से काटोगे तो 2:3 आया, ये इनके स्पीड का रेशियो। आप बोलोगे सर मैं आपका हाथ पकड़ लूंगा स्पीड कैसे कह रहे हो, तो मैं बोलूंगा लल्ला ऐसा है कि स्पीड और दूरी के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो जिसकी स्पीड ज्यादा उसकी दूरी ज्यादा, तो दूरी का रेशियो बोल दो चाहे स्पीड का रेशियो बोल दो। तो इनकी स्पीड 2 हो गई रवे की, इसकी 3 हो गई, स्पीड में अंतर 1 का है। क्वेश्चन कह रहा है स्पीड में अंतर 4 किलोमीटर प्रति घंटा का है, कह रहा है उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अंतर मेरे हिसाब से रेशियो में 1 दिख रहा, क्वेश्चन 4 कह रहा है, तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। पूछा किसका? रवि स्पीड इज, तो रवि की स्पीड, तो रवि तो ये है, तो रवि की स्पीड जो निकल कर आएगी वो कितनी हो गई, 1 पॉइंट अगर 4 का है तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अजय का पूछता तो 4 × 3 = 12 होता, ऑप्शन में दोनों दे रखा है 12 भी और 8 भी, तो सावधान मैथ्स की क्लास 9 बजे। ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं बनाया था, हाँ बच्चा नहीं करवाया था, मेंसुरेशन नेक्स्ट क्लास में चलेगा, मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम। ठीक है प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या बोला, 60 किलोमीटर की दूरी थी, अजय पहली भाग गया, गांव देखा जाए वापस घूम गया, तो अजय चला 60 और 12 72 और रवि 12 जा ही नहीं पाया, गांव ही नहीं देख पाया, तो 12 कम मतलब 60 में से 12 कम, रवि यहां से यहां तक पहुंचा और अजय ये भी दूरी पहुंच गया और ये भी दूरी पहुंच गया, तो ये इनकी दूरी निकल गई। रवि 12 किलोमीटर पीछे रह गया था, तब तक उसको अजय वापसी में मिल गया था, तो रवि 48 ये 72, स्पीड का रेशियो 2 और 3, अंतर स्पीड का कितना है 1 पॉइंट, क्वेश्चन कह रहा है 4, 1 पॉइंट अगर 4 तो 4 × 2 = 8 और 4 × 3 = 12। अगला क्वेश्चन धाएं फोड़े, अगला क्वेश्चन इंटरेस्ट का, ये तो भाई साहब फोड़ दोगे आप लोग, मुझे पता है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर दिख रहा है आप लोग को तो मैं आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास के साथ कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। एक ही बार आप लोग बार बार पूछते हो भैया, मैथ्स की क्लास 9 बजे चलती है, डेली चलती है, मंडे टू फ्राइडे चलती है,
10%, विपुल रोहिला का आंसर आ चुका 10%. कैसे कह रहा है? द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, दूसरे साल का अमाउंट, सेकंड ईयर का जो अमाउंट है वो कितना है? 3,250 रुपए. और तीसरे साल का जो अमाउंट है वो कितना है प्यारे बच्चों? तो 33,275 रुपए. ये 30,250 है और ये 33,000, ठीक है. रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए हमेशा रूट मारते हैं, जितने साल का गैप होता है उतना. अगर 2 साल का गैप है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का गैप है तो क्यूब रूट, ठीक है. क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट निकलता है वो पिछले साल के अमाउंट पर निकलता है. मैं बोला या वाह मजा आ गया, इसमें तो कंसेक्यूटिव ईयर दे रखा है, तो इसका मतलब थर्ड ईयर की चीजें सेकंड ईयर पर लगी होगी. यही इसके लिए प्रिंसिपल का काम किया होगा नेक्स्ट ईयर के लिए. अब फोर्थ ईयर के लिए जो प्रिंसिपल का काम करेगा वो ये करेगा, ना कि ये करेगा. ये कभी प्रिंसिपल का काम नहीं करता कंपाउंड इंटरेस्ट, ना 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 ना. चक्रवर्ती ब्याज में प्रिंसिपल कौन होता है? तो पिछले साल का अमाउंट होता है, चेंज पर चेंज को, ठीक है. तो यहां से यहां अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं कि भाई ने इंटरेस्ट कितना कमाया, तो माइनस कर दो तो 33,275 बन गया. कहां से? 30,250 से, ठीक है. तो भैया ये आएगा, 3025 निकल कर आएगा, ठीक है. ये ब्याज कितना है? 3025. इतना वृद्धि हो गई. इन दोनों में अंतर कितना? इतना है. तो रेट निकालो. तो भैया हे भाग्यवान, रेट कैसे निकलेगा? तो रेट ने बोला बाऊजी ऐसा है कि ब्याज कमाया 3025 किस पर? तो 30,250 पर और गुना 100. ये जो इंक्रीमेंट हुआ है इसी वैल्यू पर तो हुआ है, और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100. ये धाएं 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 और धाएं. तो 10% इज द आंसर. कमेंट बॉक्स में आंसर की बौछार होनी चाहिए, ठीक है. 10% इज द आंसर. हाउ टू फाइंड कंपाउंड व्हेन द रेट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ईयर. तो अलग साल का अलग अलग निकलेगा, करवा रखा हूं तो उसमें देख लेना आप. अलग साल का अलग अलग रहेगा, हर साल का अलग अलग निकालोगे. करवा रखा है मैंने डिफरेंट रेट का, प्लेलिस्ट में देखिए आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक. कंपाउंड में करवा रखा है. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? आहा क्या कातिल क्वेश्चन है. अब ये रीजनिंग लगाएंगे, देखते हैं कितने लोगों का रीजनिंग स्ट्रांग है. ठीक है. इफ द स्पीड ऑफ अ रेलवे ट्रेन इज इंक्रीज्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, अगर स्पीड को बढ़ा दिया जाए तो जल्दी पहुंच जाएगा. अगर स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाता है नॉर्मल चाल से, तो उसे जर्नी को करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं. तो भैया मुझे ये बताना है कि उसकी नॉर्मल स्पीड कितनी है. भैया यहाँ ध्यान दीजिए, ये है जर्नी, कितने का? 300 किलोमीटर. कितने का? 300 किलोमीटर. भाई साहब ये बंदा नॉर्मल स्पीड से जाता था और आज उसने स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया है, तो आपको नॉर्मल स्पीड बढ़ाना है, बताना है. तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन अगर आपने एक्स एंड ऑल से किया तो क्वाड्रेटिक बनने के चांसेस है. सॉल्व एक्स से होगा तो वो मत करना. एक ऐसा ऑप्शन उठा लो जो 300 को काट दे और 5 बढ़ाने पे भी काट दे और अंतर 2 घंटे का साफ चाहिए. तो देखो ध्यान से, सपोज मैंने ऑप्शन से उठा लिया 20, अच्छा 30 नहीं उठाऊंगा. क्यों नहीं उठाऊंगा? अगर उसकी नॉर्मल स्पीड 30 होती तो 30 तो 300 को काट देगा, लेकिन 5 बढ़ाने पर 35 300 को नहीं काटेगा. मतलब 30 तो इस क्वेश्चन का आंसर कतई नहीं हो सकता, ठीक है. 10 काट देगा 300 को, 5 बढ़ाओ 15 भी काट देगा, 25 काट देगा 300 को, 5 बढ़ाओ वो भी काट देगा, ठीक है. मान लो मैंने ऑप्शन से 20 उठाया, देखते हैं नॉर्मल स्पीड. तो यहाँ टाइम देखो क्या होगा, समय होगा दूरी बटे में चाल. दूरी कितनी है? 300. और अगर मैं 20 की स्पीड से जाऊंगा प्यारे बच्चों तो मुझे लगेंगे 15 घंटे. ये नॉर्मल दिनों में लगता था, अब मैंने स्पीड को 5 घंटे बढ़ा दिए तो अब मुझे 13 घंटे आना चाहिए. देखो ध्यान से, वही दूरी है 300, अब वो कितने की स्पीड से जा रहा है? तो 25 की स्पीड से, 5 बढ़ा दिया. तो अगर मैं 25 से जाऊंगा प्यारे बच्चों तो देखो ध्यान से क्या ये आएगा, ये कितना निकल कर आएगा? तो 4 गुना कर दो, 4 × 12 घंटे आ रहा. तो भैया डिफरेंस कितने का आया? 3 घंटे का. बोला ना 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 ना, ये नहीं हो सकता, अंतर तो 2 घंटे की बात कर रहा है, इसका मतलब ये खत्म हो गया. तो आंसर पक्का 25 होगा. देखो ध्यान से, ये 300 किलोमीटर अगर मैं 25 की स्पीड से जाऊंगा तो मुझे लगेंगे 300 किलोमीटर 25 की स्पीड से मुझे लगेंगे 12 घंटे,
और अगर यही 300 किलोमीटर अगर यही 300 किलोमीटर मैं स्पीड 5 बढ़ाकर 30 से जाऊंगा तो मुझे लगेंगे 10 घंटे। तो मैंने क्या देखा कि टाइम में अंतर कितने का आ गया, 2 घंटे का, और क्वेश्चन भी 2 ही घंटा कह रहा है। इसका मतलब मैंने एक सही ऑप्शन उठा रखा है। वाया ऑप्शन करोगे ज्यादा बेटर होगा, वरना एक क्वाड्रेटिक बनेगा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा फोड़ दिया, वेरी गुड दोस्त। मैं कह रहा हूं कौन सी स्पीड लूं, जिस स्पीड को ले लो और उसमें 5 जोड़ने पर 2 घंटे का डिफरेंस आ जाए। तो मैंने 25 उठाया इस ऑप्शन से। 300 किलोमीटर अगर मैं 25 जाऊंगा तो मुझे 12 घंटे लगेंगे, और अगर मैं स्पीड को 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता हूं तो मुझे 10 घंटे लगेंगे। और मेरे हिसाब से अंतर कितने का आया, 2 घंटा, जो कि साफ क्वेश्चन कह रहा कि हाँ 2 घंटे कम लगेंगे। देखो 2 घंटे कम लगा, तो ये आपका आंसर निकल कर आ गया। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर कंपाउंड इंटरेस्ट का ये है। इफेक्टिव रेट निकाल दो, इफेक्टिव रेट, बहुत सही। अब बिना ऑप्शन के एक्स होगा बच्चा, ये क्वेश्चन अगर आप बिना ऑप्शन के करते ना, ये क्वेश्चन अगर आप बिना ऑप्शन के करते तो आपको ये सूत्र मतलब ऐसे करना होता कि टाइम में जो डिफरेंस था वो 2 घंटे का था, ठीक है। टाइम में जो डिफरेंस था 2 घंटे का था, 300 किलोमीटर की दूरी थी, पहले दिन की स्पीड एक्स मान ली, और माइनस 300 किलोमीटर दूरी, अगले दिन की स्पीड एक्स माइनस 5 होगी, एक्स प्लस 5 होगी। इसको सॉल्व करोगे ना तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं बनाना था, इसलिए मैंने बोला ये आपको सॉल्व करने का तरीका है क्वाड्रेटिक से। वाय ऑप्शन ज्यादा खूबसूरत होता है, ठीक है। ये आंसर उड़ा दे, 15वां क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट है ये तो भैया बनना चाहिए आपसे। देखते हैं कितने लोग का बन रहा इफेक्टिव रेट। आंसर निकल कर आ गया 23.21 निकल कर आ रहा, बहुत सही, 23.21। ठीक है, ऊपर ऊपर से उड़ा दिया दक्ष यादव ने, बहुत सही, ठीक है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100, इस तरीके से आप सक्सेसिव इंटरेस्ट निकाल सकते हो। x की वैल्यू कितनी है, 22% है, y की वैल्यू कितनी है, 22 है, प्लस ऑफ 22 इंटू 22 बटे में कितना हो गया आपका 100 निकल कर आ गया, ठीक है। 22 और 22 कितना हो गया आपका 44 हो गया, ठीक है। 22 और 22 कितना हो गया आपका 44 हो गया, और ये आपका आएगा आपका 2.42 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 2.42 आ जाएगा, यहां से निकल कर आएगा 2.42, लेकिन 2.42 तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब x plus y 22% दे रखा है ना, हाँ 22% दे रखा है, तो ये हो गया आपका 44% हो गया, और ये 2.42 नहीं है, गलत है। तो 22 का स्क्वायर निकाल दो, 22 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर देखो ऐसे निकालते हैं, 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2 × 4 8 हो गया, ठीक है। ये 484 हो गया, तो 4 484 आएगा, तो 484 मतलब 4.84 हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया आपका, 44 प्लस 4 कितना हो गया, 48.84 आया। हाफ ईयरली है क्या, ओ हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ऐसे कौन करता है भाई, ठीक है, हाफ ईयरली है मेरे भाई। देखो ध्यान से, वही मैं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन ऐसा क्यों जा रहा है। 22% है पेएबल हाफ ईयरली है, ठीक है। हाफ ईयरली में रेट क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आधा हो जाएगा। तो 22 बटा दो, देखो लोगों को जिसका जिसका कंसेप्ट क्लियर है ना, वो पूरा तुरंत रोक देते हैं कि सर आप गलत कर रहे हो, ये होगा, ठीक है, बहुत सही, बेहतरीन। तो x की वैल्यू 11, y की वैल्यू 11 प्लस ऑफ 11 इंटू 11 बटा क्या हो जाएगा 100। 11 और 11 कितना आपका 22 हो गया, और प्लस ये कितना हो गया आपका 1.21 हो गया, तो इसका मतलब 23.21 ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर 23.21, ठीक है, बेहतरीन भाई, ठीक है, 23.21, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में अब CISI का डिफरेंस बोले तो यही डिफरेंस का काम करता है, ये आपका डिफरेंस का काम करता है, जो एक्स्ट्रा पाथ होता है वो डिफरेंस का काम करता है, बहुत सही, उड़ा दो कंपाउंड इंटरेस्ट से, उड़ा दो इस क्वेश्चन को। देखो ऐसे क्या है ना कि मैराथन लेने से और इस तरीके से आंसर देने से ना आपका कंसेप्ट बहुत डेडली स्ट्रांग हो जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ना उन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर रिवाइज मार दोगे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर मैराथन दूसरा दोगे फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेन बात यही है ना। ऐसे हलवा नहीं है कि आपको बढ़ जाएगा, है ना। और मोदी जी या नितिन गडकरी जी या फिर कोई डिपार्टमेंट है वो आपके रिश्तेदार नहीं है जो आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपको छीनना पड़ेगा जॉब, और छीनने के लिए आपकी प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आप सोच रहे हो कि आपको मिल जाएगा, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया, ठीक है।
पहले हमने टॉपिक किया, टॉपिक के साथ अब हम मैराथन दे रहे हैं, आपने प्रैक्टिस की तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है। जो हड़बड़ाते हैं उनको कभी नहीं मिलता है, ठीक है। ऑन अ सर्टन प्रिंसिपल द सिंपल इंटरेस्ट फॉर टू ईयर दे रखा, दो साल का साधारण ब्याज दे रखा, इसका मतलब 1500 यहां होगा और 1500 यहां होगा, ये सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट करता है ये दोनों, ठीक। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कौन होगा, ये और टिंगू होगा। चीजें देखो एकदम क्लियर होनी चाहिए आपको, ठीक है, इसीलिए मैंने आपको एक ही कंसेप्ट से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट करवाया, ठीक है। 1500 और ये टिंगू को कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। तो भैया ये दे रहा है कि सीआई जो दे रहा है, सीआई दे रहा है 3225, उसमें से 3000 रुपए तो निकल गया, तो बचा कितना, तो 225 बच गया। तो ये जो टिंगू आया ना 225 आया, और ये टिंगू कोई और नहीं है, सीआई और एसआई में अंतर है। सीआई के पास इन एसआई से इतना ज्यादा, सीआई में एसआई भी इंक्लूड होता है, ठीक है। रेट निकाल दो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन करवा रखा है, 225 लगेगा किस पर, 1500 पर और गुना 100। देखो कितना पहले लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक है, कितना पहले आ चुका है, और उनको थोड़ी ना पता था कि मैं ये सब क्वेश्चन लेकर आया हूं, उनको बिल्कुल भी नहीं पता था, और डेटा भी सारा अलग है, उठाकर देख लो डेटा भी अलग है, तो उनको पता भी नहीं था। इसका मतलब ये है कि एग्जाम हॉल में आपकी कॉन्फिडेंस कतई मायने रखती है, ठीक है। तो 15% इज द आंसर, 15% इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आ गया एक बंदर का चढ़ने और फिसलने वाला क्वेश्चन, ये बंदर का चढ़ने और फिसलने वाला क्वेश्चन है, बहुत सही, 15% इज द आंसर होएगा, ठीक है। बंदर का चढ़ने और फिसलने वाला क्वेश्चन, ये टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट है, ऐसा क्वेश्चन आपका पाइप्स एंड सिस्टम में भी होता है जब अल्टरनेट चीज आ जाए। देखो ध्यान से, एक पोल है, ध्यान समझना बच्चा, एक पोल है, इस पोल की जो टोटल लंबाई है ना ये 15 मीटर है। एक बंदर कहता है कि पहले मीटर में मैं 5 मीटर जंप मारूंगा और अगले मिनट में मैं 3 मीटर फिसल जाऊंगा, इसका मतलब इफेक्टिवली वो 2 मीटर ही चढ़ पाया। जो बंदर पहले मिनट में 5 मीटर जंप मार रहा है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जा रहा है, 5 मीटर जंप मारकर अगर 3 मीटर फिसल गया, तो हे बंदर तू 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ पाया बस। बोला कैसे, मैं तो 5 चढ़ा, मैं बोला यार इधर आ बंदर, तू 5 मीटर चढ़ा तो लेकिन 3 मीटर फिसल भी तो गया और ऐसी तू चढ़ रहा है। इसका मतलब इस बंदर को 2 मीटर चढ़ने में कितने लग गए, 2 मिनट। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इफेक्टिवली 1 मीटर चढ़ने में इसको कितना लग रहा होगा, 1 मिनट, और अगर 1 मीटर चढ़ने में 1 मिनट लग रहा होगा तो 15 मीटर चढ़ने में 15 मिनट लगेगा, ऐसा आप सोच सकते हो, लेकिन ऐसा गलत आंसर है, ये तो एकदम गलत है, 15 तो एकदम ही गलत है, ठीक है, इतना आसान तो है नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि देखो ऐसे भी नहीं होगा आंसर, पूछो क्यों 15 क्यों नहीं होगा आंसर, 15 मिनट आंसर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपको लास्ट की बारी नहीं पता है कि उसकी चढ़ने की बारी है कि फिसलने की बारी, ये बात आपको नहीं पता। तो कैसे करोगे, देखो जब भी कहीं पर काम का बिगड़ना या काम का बनना अल्टरनेट वे में दे रखा होगा, जैसे एक नल टंकी को भरती है और दूसरा नल टंकी को खाली करती है और इनको अल्टरनेट खोला जाए, या फिर एक औरत को रोटी बनाने के लिए बोला गया, वो पहले मिनट में 4 रोटी बनाती है, अगले मिनट में 3 रोटी खा लेती है, और इसी तरीके से बनाया गया। जब भी ये चीज अल्टरनेट होगा ना, तो हम क्या करते हैं, हम बंदर के पास एक ऐसा ऑप्शन रखते हैं, मैंने उसको बंदर को इधर 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 इधर, तू बता मुझे कि तू 1 मिनट में कितना चढ़ता। बोला बाऊजी 5 मीटर, कॉन्फिडेंस के साथ। मैं बोला देख मैं काम करता हूं, ऊपर तेरे लिए 5 मीटर छोड़ देता हूं। बोला क्यों बंदर क्यों, तो मैं बोला यार तू लास्ट में जंप मारेगा ऊपर लटक जाएगा, उससे बेटर है कि ऊपर में तेरा 5 मीटर में छोड़ देता हूं। उसकी पॉजिटिव यूनिट को ऊपर से माइनस किया जाता है, तू 5 मीटर जंप मारता है ना, ले पकड़ तेरा 5 मीटर ऊपर से माइनस कर दे। बोला क्या ये जंप नहीं मारना, मैं बोला मारना है, पहले तू 10 मीटर तक का बता, अगली बार तेरे पास मैंने मौका दे रखा है, तू 1 मिनट में 5 मीटर जंप मारता है ना, जाना और 1 मिनट में 5 मीटर जंप मार के वापस आ। बोला भौजी तो मजा आ गया। बोला हाँ, बंदर पहले मिनट में 5 मीटर जंप मारता, अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, इसका मतलब 2 मिनट में ये बंदर 2 मीटर चढ़ता है। तो 10 मीटर चढ़ने के लिए 10 मीटर चढ़ाओ बस इसको, 10 मीटर चढ़ने के लिए कितना गुना समय लगेगा, 5 गुना लग जाएगा भाई साहब। 2 मीटर अगर 2 मिनट में चढ़ता है, 2 मिनट अगर 2 मीटर में चढ़ता है, तो 10 मीटर को चढ़ने में उसको 10 मिनट लग जाएगा,
तो ये बंदर 10 मिनट की चढ़ाई 10 मिनट में 10 मीटर चढ़ जाता है। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, बंदर के पास मैंने ऑप्शन दिया, बंदर इधर आ, तू आखिरी जंप ऐसा मारना कि 5 मीटर जंप आना। बोला भाई साहब, मैं बोला जंप कितने मिनट में मारता, बोलता 1 मिनट में 5 मीटर मारता हूं। मैं बोला ठीक है, ऊपर से 5 मीटर में हटा रहा हूं, तू 10 मीटर तक का देख ले। 2 मिनट में 2 मीटर तो 10 मिनट में 10 मीटर। बंदर यहां पहुंच गया, उसके पास अब ऑप्शन बचा 5 मीटर जंप मारना, जा बंदर जी ले जिंदगी अपनी। तो 1 मिनट और ले तू 11 मिनट, और इस 11वें मिनट में तू 5 मीटर जंप मार दे तो 10+5 कितना 15 मीटर। इसका मतलब ये बंदर 11वें मिनट में जो होगा वो चोटी पर होगा इन द 11th मिनट। 11 मिनट में बंदर ऊपर, वेरी गुड, ठीक है। तो 11वें मिनट में क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इस बात का ध्यान रखना, ऊपर से पॉजिटिव यूनिट वर्क माइनस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन फॉग वाले क्वेश्चन करवा रखे हैं, याद करो, धुंध वाले क्वेश्चन। आमा के कोरोना होए गए छे, ठीक आछे, बाड़ी तो थाको। भालो करो थाको गो। A car crosses a man walking at 6 km per hour. The man can see the things up to 450 meter only. ठीक है? एक आदमी दौड़ रहा था, एक कार आया उसको क्रॉस कर गया, वो उस कार को 450 मीटर तक ही देख पाया क्योंकि उसके आगे फॉग था। कार जब यहां आ जाएगा तो वो देख नहीं पाएगा। याद करो मैंने फॉग वाले क्वेश्चन करवा रखे। He sees the car which is going in the same direction for 4.5 minutes. 4.5 minutes तक देख पाया, ठीक है, 4.5 minutes तक देख पाया, 4.5 minutes तक देख पाया है। What is the speed of the car? Let consider कि उस कार की जो स्पीड है x किलोमीटर, पहले देख लो आदमी की स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आर, आदमी की 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको भी किलोमीटर प्रति घंटे मारो, कार की स्पीड मैंने x किलोमीटर पर आर मान ली, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल्स क्या होगा प्यारे बच्चों, तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय होगा। दूरी किसके लिए जाएगी, कार की लेंथ ली जाएगी, लेकिन कार की लेंथ तो है नहीं, तो फिर सिर्फ फॉग वाली दूरी हो जाएगी 450। अगर ट्रेन होता तो ट्रेन की स्पीड होती, ठीक। स्पीड किसका होगा, दोनों का रिलेटिव होगा, तो एक्स माइनस 6 कर दिया प्यारे बच्चों, और आपको पता है कि 5/18 आपको करना ही पड़ेगा। और टाइम कितना है, तो टाइम है 4.5 मिनट, मतलब 4.5 × 60 हो जाएगा, ठीक। मिनट में को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, मिनट्स को सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से प्यारे बच्चों अगर देखोगे तो यहां से पॉइंट हटाने के बाद इस पॉइंट को अगर मैं रिप्लेस करता हूं तो यहां पे नीचे कौन आ जाएगा, इस पॉइंट से नीचे 10 आएगा, तो एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। ये 45 काट देगा इसे 10 बार में, 5 इसे काट देगा 2 बार में, 18, और ये 2 जो है 2 काट देगा इसे 3 बार में, और 3 जो है इसे काट देगा 6 बार में। बच्चा मैं काट रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये 6 ऊपर जाएगा, 6 इक्वल्स x माइनस 6 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। कुछ नहीं किया मैंने, इक्वेशन को रखा है बस, और कुछ नहीं, x की वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई, तो 12 किलोमीटर पर आर इज द आंसर। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा उस कार की स्पीड आ गई, उस कार की स्पीड कितनी हो गई, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, है ना। स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस इनटू टाइम होगा, डिस्टेंस कितना है 450 मीटर का, स्पीड कितना है, रिलेटिव स्पीड है, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 5/18 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, An amount was lent for 2 years at the rate of 20% per annum, compounding annually. Had the compounding been done half yearly, the interest would have been increased by 241. What is that amount? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 साल के लिए एक पैसे को दिया गया, ठीक है, 2 साल के लिए एक पैसे को दिया गया 20% पर, अगर वो चीज हाफ ईयरली होता तो 241 रुपए ज्यादा मिलते, तो मुझे ये बताना है कि व्हाट वाज द अमाउंट लेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे करेंगे, थोड़ा जो क्वेश्चन होगा वो लेंदी होगा बच्चा, ठीक है, थोड़ा लेंदी होगा, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं इसको, देखो ध्यान देना। एक धनराशि पर प्रतिवार्षिक दर से संयोजित 2 वर्ष के लिए 20% दिया गया, ठीक, चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दिया गया। चक्रवर्ती ब्याज अगर अर्धवार्षिक होता, सबसे पहले देखो ध्यान से, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अर्धवार्षिक होता तो बाई 2 हो जाता, तो 20% क्या हो जाता, बाई 2 होकर 10% हो जाता, 20% क्या होता है, तो कह रहा है कि पैसा 241 बढ़ जाता। तो देखो ध्यान से, अगर मैं 4 डंडे मारू बच्चा
तो यहाँ कितना आएगा आपका 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%, यहाँ 10%। 10 का 10% कितना होगा, एक एक एक, और एक का 10% कितना होगा, 0.1 होगा। और यहाँ के लिए मैं सबको जोड़ दू, 10, 20, 30 और 3, 33.1, 33.1 का 10% अगर निकालोगे तो 3.31 आएगा। प्यारे बच्चों कुछ नहीं किया मैंने, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है 4 साल का, ध्यान देना। 10% था पहले साल, 10%, 10%, 10%, 10%, 10 का 10% कितना हुआ, 1, 1, 1, 1 का 10%, 0.1। अब मुझे पता है कि चौथे साल से आगे जितने भी लोग हैं सबका 10% निकलेगा, तो 10, 20, 30, 30 और 3, 33.1, 33.1 का अगर 10% निकालोगे तो कितना होगा, 3.31 आएगा, इधर निकल कर आ गया। तो भैया जो अंतर आया ना, ऐसे जो 10% पर दिया जाता, अगर ऐसे एनुअली दिया जाता तो ये होता 20%, 2 साल में कितना होगा 40 होता। तो यही एक्स्ट्रा आया, इसी को हम एक्स्ट्रा बोलेंगे, यही एक्स्ट्रा रुपया आया। और एक्स्ट्रा कितना है आपका, 1, 2, 3, 3 और 3 कितना हो गया आपका 6, ठीक है, 6, 6.41, 6.41, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से क्या निकल कर आया आपका, 1, 2, 3, 3 और 3 कितना, 6, 6.31 प्लस 6.31 है, और इसमें अगर मैं 0.1 जोड़ दूंगा तो 6.41 आ गया। तो एक्स्ट्रा ये आया, और इसी क्वेश्चन को कह रहा है कि ये एक्स्ट्रा कितना है आपका, 241 रुपए है। तो 6.41 की वैल्यू 241, ठीक, 6.4। नहीं ये सीआई था ना, तो सीआई में ही तो रेट आधा करते हैं प्यारे बच्चों, सीआई में रेट आधा हो जाता है, सीआई में तो रेट आधा किया मैंने। नहीं समझे, अरे इसने 20% दे रखा था ना, 20% का आधा कितना होता है आपका, 10% हो जाता है, 20% हो जाएगा। और 20% 2 वर्ष का था तो 4 डंडे आएंगे, 4 डंडे में कितना होगा आपका, 10, 10, 10, 10 आएगा, 10 का 10% कितना होगा, 1, 1, 1, 1 का 10% कितना होगा, 0.1 हो जाएगा। अब मैंने बोला कि मैं इन सबको जोड़ देता हूँ, 10, 20, 30, 30 और 3 कितना होगा आपका, 30 और 3, 33.1, 33.1 का 10% कितना होगा, 3.31 हो जाएगा। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का अंतर आया, इसकी वैल्यू इतनी है, तो 100 पॉइंट की वैल्यू निकाल देना, वहां से आपका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। हाँ, रेशियो से भी हो जाएगा, तो 10,000 यहाँ से आंसर आपका 10,000 निकल कर आ जाए, ठीक है, 10,000 आ रहा है ना सर, ठीक है। इसे जोड़ देना, ये कितनी बार में कटेगा, तो 100 पॉइंट की वैल्यू निकाल देना, या 100 पॉइंट की वैल्यू आपका निकल कर आ जाएगा, ठीक है। गलती तो नहीं किया मैंने, देख लो एक बार, 10, 10, 10 हो गया, ठीक है, 10 का 10% कितना हो गया। आप यहाँ से रेशियो से भी कर सकते थे, रेशियो से कैसा होता आपका, 10 और ये 11 होता, 4 साल के लिए कितना हो जाता आपका, 10,000 हो जाता, और ये कितना आपका 11 की पावर 3, मतलब 11 की पावर 4 हो जाता। यही डिफरेंस है, इसी डिफरेंस की वैल्यू 241 करता, तो 10,000 निकल कर आता, ठीक है, 10,000 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आओ, ये क्वेश्चन करवा दिया है, नहीं नहीं ये क्वेश्चन नहीं करवाया, देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मैंने बताया था कि जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करने के बाद का टाइम दे रखा होगा, ठीक है, 2 trains A and B स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम ऑपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, और रास्ते में मिलने के बाद वो 16 घंटे और 9 घंटे का समय लेता है, तो S1 और S2 का जो रेशियो आएगा वो कितना होगा, अंडर रूट T2 बाई T1 होगा, कितना हो जाएगा T1। तो क्या रखा है उसने, तो 16 और 9 दे रखा, तो पहले 16 दे रखा, तो 16 नीचे जाएगा, 9 ऊपर जाएगा, तो रेशियो कितना आएगा, 3 और 4। तो मैं बोल सकता हूं कि दोनों की स्पीड का रेशियो आ गया 3 और 4 हो गया। अगर एट व्हाट स्पीड डज दिस सेकंड ट्रेन बी ट्रैवल्स इफ द स्पीड ऑफ इफ द फर्स्ट ट्रेन ट्रैवल्स एट 120, पहले की स्पीड दे रखी है 120, पहले की स्पीड अगर 120 दे रखी है तो सेकंड की स्पीड कितनी होगी, 3 से 120 कितना गुना है, 40 गुना है, तो ये भी 40 गुना हो जाएगा, तो 40 गुना में कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा इज द आंसर। इसकी स्पीड कितनी होगी, 160 किलोमीटर प्रति घंटा, 160 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, ठीक है, 160 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर, ठीक है। तो 160 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिरी 4 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखो ध्यान से, If a certain sum becomes 3 times in 6 years, 3 गुना होने में 6 साल लग गए, ठीक है, 3 गुना होने में कितने साल लग गए, 6 साल लग गए, 3 गुना होने में अगर 6 साल लग गए, तो अब जो भी होगा वो 3 का ही टाइम्स होगा, तो कह रहा है 81 गुना होने में कितना लग जाएगा, तो 81 गुना कौन है, 3 की पावर 4 है, तो 3 की पावर 4 होने में कितने साल लग जाएंगे, तो इस पावर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 गुना 4 कितना होगा, 24 साल। इस ध्यान से एक तरीका तो ये है, ठीक है, इससे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इस पावर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है, एक तरीका ये है कि 3 गुना होने में 6 साल लगे,
तीन की 81 गुना मतलब 3 की पावर 4 होने में कितने साल लग जाएंगे, तो 6 गुना 4 24 साल। दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि हर 6 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है, तो भैया देखो ध्यान से, 3 गुना हो रहा है कितने साल में, तो 3 गुना होने में, 3 गुना होने में पैसे को 6 साल लग गए। अब हर 6 साल में पैसा ट्रिपल मिलेगा, 3 गुना का 3 गुना कितना हुआ 9 गुना, 9 गुना का 3 गुना कितना हुआ 27 गुना, और 27 गुना का 3 गुना कितना हुआ 81 गुना। मुझे यहां तक जाना है, हर 6 साल का मौका दो 3 गुना मिलेगा आपको, तो 3 गुना मिला, 6 साल बाद और 12 साल बाद फिर से 3 गुना मिल जाएगा, फिर 6 साल जोड़ दो 18 साल बाद फिर से 3 गुना मिल जाएगा, और फिर 6 साल अगर जोड़ोगे तो 24 साल बाद आपकी तमन्ना पूरी हो जाएगी। तो आंसर इज 24 इयर्स, दोनों में से कोई भी तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हो, ठीक है, 24 इज द आंसर, ठीक है, वेरी गुड, 24 इयर्स द आंसर। अगला क्वेश्चन, बिना रुके एक बस की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और रुकने के बाद उसकी स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो फॉर हाउ मेनी मिनट डज द ट्रेन स्टॉप पर आर, तो हर एक मिनट, हर एक घंटे में कितने मिनट के लिए रुकता है। बिना रुके स्पीड कितनी है, तो बिना रुके उसकी स्पीड है 120 किलोमीटर प्रति घंटा और रुकने के बाद उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक घंटे के लिए कितने मिनट के लिए रुकता है। मैंने क्या बताया था बच्चा, कितना नहीं जा पाया आपने 70, किस स्पीड से 120 से, तो काटो उसको, इसका मतलब वो 7/12 घंटे के लिए रुका है, he had stopped for 7/12 hours, ठीक है, 7/12 घंटे। बिना रुके उसकी स्पीड कितनी है 120 है, रुक कर उसकी स्पीड कितनी है 50 है, कितना किलोमीटर का डेप्रिशिएट हो गया, तो पहले बता रखा ऑलरेडी मैंने, ये मैराथन है, बिना रुके 120 है और रुक कर कितना 50 है, कितना नहीं जा पाया, तो ये 70 किलोमीटर नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया, क्योंकि रुक गया था, तो 70 किलोमीटर जाने का समय और रुकने का समय दोनों बराबर होगा, तो 120 किलोमीटर एक घंटा में जाता था, तो 70 किलोमीटर कितने घंटे में जाएंगे, तो उसी चीज को मैंने डायरेक्टली बताया था, आपको सिखाया था कि बिना रुके 120 से रुक कर 50 से, तो कितना किलोमीटर का डेप्रिशिएट हो गया, कितना नहीं जा पा रहा है 70, किस स्पीड से जाएगा अपनी ओरिजिनल स्पीड 120 से, तो 70/120 7/12 घंटे के लिए रुक गया है। कितने मिनट के लिए रुका है, तो 7/12 और गुना में कर दो 60, ठीक है, घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से काटो, इसका मतलब ही हैड स्टॉप फॉर 35 मिनट, वो 35 मिनट के लिए रुका है, ही हैड स्टॉप फॉर 35 मिनट, 35 इज द आंसर, वो 35 मिनट के लिए वो रुक चुका है, बहुत सही, ही हैड स्टॉप फॉर 35 मिनट, 35 मिनट के लिए रुका हुआ है, ठीक है। आखिरी दो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द प्राइस ऑफ टेबल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय, द प्राइस ऑफ डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय, किसी चीज के ऊपर वृद्धि या कमी कंपाउंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पेड़ की ऊंचाई बढ़ना, मशीन का दाम घटना, पॉपुलेशन बढ़ना घटना, सारा कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट है। द क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ टेबल डेप्रिशिएट्स एवरी ईयर बाय 20%, हर साल 20% कम होते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ द टेबल आफ्टर 2 इयर्स विल बी, 2 साल बाद अगर इतना होगा, व्हाट इज द प्रेजेंट प्राइस, कभी भी चेंजेस प्रेजेंट प्राइस पर होता है, बाद वाली चीज, आपकी ऊंचाई 2 साल बाद क्या होगी, आपकी सैलरी 2 साल बाद क्या होगा, आपकी जॉब 2 साल बाद कहां लगेगी, ये सारी चीजें आज के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगा। तो लेट कंसीडर कि आज की वैल्यू एक्स थी, हर साल अब 20% क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट कर रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ द आफ्टर 2 इयर्स दे रखा है, 2 साल बाद की चीजें आज पे डिपेंड की होगी, तो भैया वैल्यू 20% कम हो रहा है, 20% कितना होता है 1/5, अगर 1/5 कोई चीज कम हो रहा है तो वो चीज 80% हो जाएगा, और 80% को 4/5 लिखते हैं, ठीक है, 4/5, 2 साल में क्या हो जाएगा, फिर से 4/5 होगा, 4/5, 4/5, 2 बार डेप्रिशिएट करने के बाद ये वैल्यू कितनी हो गई, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 3200, ठीक है, 32,000 रुपए, 32,000, 4 × 4 = 16 आता है, 16 इसको 2 बार में काट देगा, 2000 बार में कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितना होगा, 5×25 × 2000, मतलब कितना हो गया, इसका मतलब ये है कि 2 साल बाद भले ही 32,000 हो जाएगा, आज उस मशीन की औकात कितने की है, 50,000 इज द आंसर, 50,000 इज द आंसर, ठीक है। 2 रेलगाड़ी है, दोनों की स्पीड दे, लेंथ दे रखी है, लेंथ दोनों की गिवन है, डायरेक्शन भी बता दिया कि सेम डायरेक्शन है, द फास्टर ट्रेन टेक 1 मिनट टू पास द ट्रेन अनदर ट्रेन कंप्लीटली, तेज रेलगाड़ी को 1 मिनट का समय लगता है, डेटा को अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, 1 मिनट का समय लगता है, इफ दे आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन दे पास ईच अदर इन 3 सेकंड, अगर ऑपोजिट में जाते हैं तो उनको 3 सेकंड लगते हैं, और सेम डायरेक्शन में 1 मिनट, सेम क्वेश्चन करवा रखा था, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच ट्रेन, तो प्रत्येक ट्रेन की स्पीड बताइएगा, ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन और भी करवा दिया, तो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे
ऑलरेडी इस क्वेश्चन को करवा दिया था जिसमें दोनों ट्रेन की लंबाई सेम थी, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करवा दे रहा, इस वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आखिरी क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ आपको, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आखिरी क्वेश्चन 25वां जो क्वेश्चन है ये मैं आपको करवा देता हूँ। If Sonam runs at 4 km per hour, then she is 8 minutes late to school. But if she runs, if she increases her speed by 2 km per hour, then she is only 5 minutes late. दोनों केस में लेट हो रहा है, लेट और लेट में माइनस हो जाएगा, लेट अर्ली में जुड़ जाता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा आपको बताया था ऐसे केस में, S1 into S2 अपॉन में क्या होगा डेल एस इंटू क्या होगा डेल टी होगा, ठीक है। दोनों स्पीड निकालो, सोनम की स्पीड कितनी थी, 4 थी। अगले दिन उसने अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाया है, स्पीड को बढ़ाया है 2 किलोमीटर, मतलब अगले दिन की स्पीड 6 हो गई, स्पीड का अंतर 2 का आ गया। टाइम का डिफरेंस देख लो, पहले दिन में टाइम का कितना था, 8 मिनट लेट थी वो लड़की पहले दिन, और अगले दिन वो क्या है 5 मिनट लेट है, दोनों दिन ही लेट है, नंबर लाइन में एक ही तरफ है। 8 मिनट लेट और 5 मिनट लेट में अंतर कितने का होगा, 3 मिनट का होगा, अपॉन में 60 इसलिए किया क्योंकि ये मिनट्स में था तो घंटे के लिए 2/60 हो गए, ठीक है। सारी चीजें मैंने करवा दी, ठीक है। 6 से काटोगे तो 10 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 2 से काटोगे 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8 - 5 कितना हो गया, 3/5 किलोमीटर पर आर, क्योंकि किलोमीटर पर आर में आएगा और 3/5 इज व्हाट 0.6, तो 0.6 किलोमीटर पर आर इज द आंसर। तो 0.6 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर, आ गया 0.6 किलोमीटर पर आर इज द आंसर, ठीक है। वेरी गुड, तो ये आज का मैराथन तक दोनों पे कंप्लीट मैराथन था, ठीक है, इन 25 क्वेश्चन का। और ये आप 24वां क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और इसी तरीके से टॉपिक के साथ मैराथन चलता रहना कि नहीं चलता रहना भी बताएंगे आप, ठीक है। और मैराथन कैसा लगा ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल से नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।